पाकिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल, बड़ों की बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती काउंसिल का अजलास आज बुला लिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। वज़ीर आज़म को तुर्क सदर का टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान मामले पर हालात का जायजा लेकर वाकिफ दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया है जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। एक दूसरे को एतमाद में लेने के साथ मिलकर मुश्तरक लाहे अमल बनाना होगा। अमरीका ने नाकामी का मलबा अफगान हुकूमत पर डाल दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की कड़ी तनकीद। कहा, अफगान फोर्सेज अपने मुल्क का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं। आला कौमी सलामती मुसालहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी अफगान सदर पर बरस पड़े। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 सितंबर तक तौसी। लीग वकला की जानिब से केस मुलतवी करने की इस्तदा की गई। जूनियर वकील ने मौकिफ अपनाया कि अमजद परवेज एडवोकेट पेश नहीं हो सकते, हमारी जानिब से अल्तवा की पहली दरख्वास्त है। और कोरोना वबा एक दिन में मजीद 72 जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,669 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 6.8% रही। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं मरियम खान। हेडलाइंस आप जाने न्यूज स्टूडियो से। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपको एक बार फिर से खुशाबदीद कहेंगे। 10 बज चुके हैं, शो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है और अब बारी है किसकी? और पीर भी है ना, तो निकले तेरी तलाश में आपको हम दिखाते होते हैं आज के दिन। और याक सराय किताब के हवाले से बात हो रही है जिसके बारे में तारर साहब कहते हैं कि थोड़े थोड़े याक हम खुद भी हो गए उनको देखते हुए। तो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। याक सराय पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। याक सराय एक कमाल सफरनामा है जिसमें तार साहब लिखते हैं कि इतने सारे याक देख कर दरकूत जो है पास उसके करीब उन्होंने बहुत सारे याक देखे, तो उन्होंने लिखा कि इतने सारे याक देख कर हम भी थोड़े से याक हो गए। याकों के हवाले से जो तज़किरा है याकों का, वो वैसे तो हर सफ़रनामे में जो शुमाल के हवाले से जितने भी सफ़रनामे तार साहब के उनमें हमें मिलता है, याकों से एक मोहब्बत जो है तार साहब की वो भी बहुत ही नुमाया है। लेकिन याक सराय तो मतलब उस किताब का अनवान ही याक सराय है। हमारी गुफ्तगू जो है वो तार साहब से जारी है याक सराय के हवाले से। अच्छा तार साहब, एक सवाल जो है वो ज़रा किताब से आप कह सकते हैं थोड़ा सा हट के है, वो कि आपने सुमर नाला का जिक्र किया है इसमें, तो खैर सवाल ये है कि आपके शुमाल के हवाले से जितने भी सफ़रनामे हैं उनमें क्राकरम हाईवे का तो मुफसल जिक्र मिलता है, बिशाम, दासू, पटन, चिलास और तमाम ये जगहें जो हैं इनका जिक्र मिलता है, लेकिन जो सुमर नाला है उसका उसके हवाले से अभी तक हमने किसी प्रोग्राम में सुमर नाला पर बात नहीं की। सुमर नाला जो है अब भी अगर आप देखें तो वहाँ पर ट्रक होटल्स हैं, मतलब एक इमारतें हैं, और अब जब आप मोड़ काट के जाते हैं तो जो पहले शायद सुमर नाला का किसी वक्त में बहुत ज़बरदस्त चिंगारता हुआ नज़र आता होगा, अब वो उस तरह नज़र नहीं आता बल्कि वो बस इमारतों में और इस तरह पोशीदा सा हो गया। आपने सुमर नाला को क्या एक ऐसी हालत में देखा है कि जब वहाँ पर कोई होटल ना हो, कोई कुछ ना हो, तो ये कहीं इब्तदाई उसमें या उस वक्त भी इतनी ही ट्रक होटल्स या ये सब कुछ चीज़ें थी? देखें, शाहराह कोरकरम पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, ठीक है। यानी जब आप चलते थे तो डेसोलेशंस के अलावा कुछ नहीं था। ये जो नाला है ये जब आता है तो उससे पहले थोड़ी ठंडक आपको महसूस होती, क्योंकि वो पूरा एरिया ही वो बुछाड़ों की सूरत में आ रहा होता, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे मुसाफिर ठहरते थे, वुजू किया, अगर नमाज का वक्त है नमाज पढ़ी, लेकिन होटल वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा। बहुत आगे जाके एक तनूर था, तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में था।
अब लास्ट टाइम मैं जब गया हूँ तो वहाँ होटल बने हुए हैं, लोग चारपाइयाँ डाल के बैठे हुए हैं। जो वो जो कमर्शलाइजेशन है ना, ठीक है, उससे रोज़गार बहुत लोगों का बनता है, लेकिन उससे नेचर जो है उसका चेहरा बिगड़ जाता है, उसकी ओरिजिनलिटी जो है ख़त्म हो जाती है। वो टेम कर लिया ना नाले को, उसके गिर्द जंगले लगा के और उसको एक वैशी को कैद कर लिया, तो फिर वो वैशी तो ना रहा, तो वो अट्रैक्शन अब नहीं रही, मेरे लिए वो नहीं रही। जी बिल्कुल ठीक है, नेचर को उसकी ओरिजिनलिटी में रखते हुए भी कारोबार की कारोबार किया भी जा सकता है और ये तमाम मामलात किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद नेचर को बिल्कुल पसे पुश डाल के और वो तमाम चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से नेचर की तो खैर तबाही हो जाती है। तार साहब, एक सवाल ये है कि आपने गिलगित का जो हमेशा जिक्र करते हैं वो बड़ी मोहब्बत से करते हैं, और गिलगित एक जजीरा है, आप उसको जजीरा कहते थे मुख्तलिफ सफ़रनामों में, इस तरह आपने जिक्र किया है। सवाल ये है कि आपने हमेशा जो गिलगित का जिक्र इतनी मोहब्बत से किया है, लेकिन आज का जो शहर है गिलगित, उसको देखा जाए तो उसकी हैसियत जो है वो एक बेस कैंप शहर की सी है, जहाँ यानी टूरिस्ट जो है वो बमरे मजबूरी रहता है, या वो यानी वो वहाँ रुकना नहीं चाहता लेकिन वो रुकता है कि अगर कोई मजबूरी की वजह से। अब कहने का मतलब ये है कि गिलगित जो शहर है उसने अपने आप को, उसकी जो एक सियाहती शनाख्त थी, क्या उसने अपने आप को उससे दूर नहीं कर लिया? मतलब वो एक कमाल शहर था जिसकी एक हैसियत थी, यानी एक मरकजी मतलब एक जिसको कहते हैं एक तारीखी हैसियत भी थी, आर्कियालॉजी के हवाले से भी वहाँ पे कारगाह नाला भी है, सस्पेंशन ब्रिजेज हैं और बहुत कुछ है, यानी गिलगित एक पुराना शहर है डेफिनेटली। तो आज की जो नौजवान नस्ल है उसको मालूम ही नहीं है कि गिलगित इटसेल्फ जो है वो कितना बड़ा सियाहती मकाम है, और आप क्या समझते हैं, क्या गिलगित ने अपने साथ ज्यादती नहीं की या गिलगित के बासियों ने कि उसको उसकी सियाहती शनाख्त से महरूम कर दिया? मैं अभी आपको अपने ज़ाती तजर्बे की बात बता रहा हूँ, अभी यानी मुझे दो हफ्ते हुए हैं गिलगित से आए हुए, तो कारगाह नाला जो है वो इतना, उसकी जो सिर्फ रोड है वो टोटल मतलब बड़ा मुश्किल है कारगाह तक भी पहुँचना। तो गिलगित ने या गिलगित के बासियों ने क्या ये ज्यादती नहीं की कि गिलगित को उसकी सियाहती शनाख्त से, जो बड़ी शनाख्त थी, प्राइमरी शनाख्त थी, उससे उसको महरूम कर दिया? नहीं, गिलगित ने नहीं, यहाँ से जाने वालों ने उसके साथ ज्यादती की, और लोकल्स ने भी, जाहिर है उनको रोजगार कमाने का हक हासिल है जी, अदरवाइज इस पूरे एरिए में स्कर्दू को कोई नहीं जानता था। ठीक है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे ख्वाजा मेहरदाद, प्रिंसिपल थे स्कर्दू में, ये पुरानी बात 30-35 साल पहले की बात, तो वो मुझे इस्लामाबाद में मिले, उन्होंने पहली मरतबा मुझे इनवाइट किया स्कर्दू, तो मैंने पूछा कि हालात कैसे हैं, ये वो शहर कैसा है वगैरह वगैरह, क्योंकि स्कर्दू को बुनियादी तौर में मैं ब्रिगेडियर असलम साहब के हवाले से जानता था, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त जी, और वो आया करते थे और हमें बताते थे, मेरे वालिद साहब के साथ डिस्कस करते थे कि जी इस तरह स्कर्दू नाम का एक शहर है, वहाँ एक झील है, उसके किनारे मैंने एक होटल बनाया है और एक पुराना जहाज़ खड़ा किया, तो मैं उस झील में सिंघाड़े जो हैं काश्त करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ, ये मुझे अब तक याद। फिर वहाँ पे शंगरीला में जितने भी गुलाब के फूल थे, पौधे थे, वो सारे मेरे वालिद साहब के थ्रू गए थे, चुनाचे ये सारा अननोन टेरिटरी थी। तो वो ख्वाजा साहब ने बताया, कहने लगे ही वॉज प्रिंसिपल देयर, कहने लगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक थी अपना मीटिंग थी, तो उसमें मैं बैठा हुआ था, तो मैंने अपनी कोई डिमांड्स पेश की, तो उस वक्त के जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे जी, उन्होंने कहा कि ठीक है ठीक है, हम बलूचिस्तान की तरफ खास तवज्जो कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, आपके शहर का भी हम कुछ ना कुछ कर देंगे, वो जो आप फैसिलिटी। अच्छा, कहते हैं मैं आई वाज स्टंट, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो ये नहीं जानता कि स्कर्दू कहाँ है, वो उसको को बलूचिस्तान का हिस्सा समझ रहा। दोबारा फिर मैंने कहा कि सर वो बलूचिस्तान में नहीं है, वो हमारे शुमाल में, तो कहने लगे नहीं नहीं हाँ जानते हैं, ठीक है वो हो जाएगा। तो इस तरह की गफलत भी इख्तियार की लोगों ने, और मतलब कि उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि ये, लेकिन ऑन द अदर हैंड गिलगित जो था, गिलगित वर्ल्ड मैप पे था एज ए स्ट्रेंज और मिस्टीरियस सिटी। जब आप टिम्बुकटू का नाम लेते थे या इस किस्म के किसी और शहर का जिसके साथ दास्तानें वाबस्ता हैं,
उसमें गिलगित का भी नाम आता था। खुशा जब मैं पहली मरतबा गवर्नमेंट कॉलेज की टीम के साथ किशन गंगा वैली यानी आज का नीलम जो है वो एक्सपीडिशन पे गया था रत्ती गली की जानेब, तो ये जो आज का बाटाकुंडी आप ज़रा देखें जी, ह्यूज होटल्स और सारा कुछ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ भी नहीं था सिवाय एक नाले के और एक रेस्ट हाउस के और कुछ भी नहीं था एब्सोल्युटली। तो उस रेस्ट हाउस में हम रात ठहरे थे तो वहाँ पे किसी अंग्रेज ने की डायरी थी, उसके पास रजिस्टर था चौकीदार के पास ना, अभी 56 का समय लेना, अभी अंग्रेज को गए हुए 10 साल भी नहीं हुए, तो उसमें एक अंग्रेज ने लिखा हुआ था अपने कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी पोस्टिंग हो गई पता नहीं गिलगित, और ये गॉड फॉर सेकंड प्लेस पता नहीं कहाँ है, इन्होंने मुझे भेज दिया है। अच्छा। यहाँ से मैं घोड़े पे जाऊँगा और खुदा करे कि गिलगित में कोई आदमखोर लोग ना हो और मैंने बड़ी दास्तानें सुनी हैं कि वो गोरों को खा जाते, ये मैंने खुद पढ़ा उसके हाथ का लिखा हुआ। तो गिलगित में एक फैसिनेशन थी दूर उस्तादा होने की और एक मिस्ट्री थी उसमें, और मिस्ट्री में मर्डर भी था क्योंकि वहाँ हुए एक दो गोरे मर्डर, तो वो सारी मिस्ट्री अब ख़त्म हो गई। अदरवाइज गिलगित इटसेल्फ जो है वहाँ पे आप 5-7 दिन रहें तो वो भी एक फैसिनेटिंग सिटी है। अब तो वो एक स्टॉप बन गया ना आगे जाने के लिए, हर एक को हंजा का बुखार या नगर का बुखार है, वहाँ पर वो ठहरते नहीं। तो गिलगित ने खुद भी लेकिन ज़्यादातर सयाहों ने उसके साथ ज़्यादती की, कोई शक नहीं गिलगित एक कमाल शहर है। अच्छा सर ये बताइए कि क्यों नील और उनके जो को नवर्द खामिद हैं, आपने लिखा है कि उस वक्त वो लॉनी प्लेनेट के लिए पाकिस्तान के लिए एक ट्रैकिंग गाइड लिख रहे थे, इज़ुबल शाह को देखा जाए तो उसने जो कराक्रम हाईवे पे लिखी किताब, उनकी उन किताबों के अंदर उन गाइड्स के अंदर जो डिटेल्स हैं ज़बरदस्त किस्म की डिटेल्स, होटल उनके अपना उनका जो भी रेंट है, इसके अलावा वो तमाम ट्रैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो तमाम चीज़ें बड़ी ही डिटेल और जुज़ियात के साथ लिखी थी, बड़ा ही मरबूत काम था। आपकी नज़र में कहीं मकामी सतह पे भी ऐसा कोई मरबूत काम हुआ है जिसको उस तरह की पजीराई हमने ना दी हो, तो आपकी नज़र में कोई ऐसा काम है जो ये थी किम ओ'नील वगैरह ये तो काम कर रहे थे ना लोनली प्लैनेट के लिए, तो लोनली प्लैनेट वाले मेरे ज़माने में तो मोस्ट ऑथेंटिक किताब लोनली प्लैनेट होती थी, आवारा गर्दों की वो कहते थे इट इज़ अ बाइबल फॉर वैगाबॉन्ड्स, और उसमें मालूमात हर शहर के हर मुल्क के बारे में, तो वो हायर करते थे आवारा गर्दों को जिनमें राइटिंग स्किल हो और वो फिर लिखते थे और फिर बड़े पैमाने पर छपती थी। एक तो ये जो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, बाकी जो इज़ुबल शाह है बहुत अच्छी खातून है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई यहाँ आपके जो है लेक जो अब डैम बन गई है क्या नाम है सतपारा में वो आई हुई थी और मोहम्मद अली चंगेजी ने मुझे मिलाया था और वो अपने बेटे के साथ थी और वो भी बहुत फिरंतु खातून थी, उनके खावंद स्विट्जरलैंड में बहुत बड़े किसी अहदे पर थे यूएनओ में, और उन्होंने सिर्फ वो कलाक्रम नहीं लिखी, उन्होंने एक और किताब पाकिस्तान लिखी है उसमें भी सारे ट्रैक्स मौजूद हैं। तो ये दो बेसिक हमारे लिए, मतलब मैंने पहली मरतबा ये लोनली प्लैनेट में पढ़ा फिली मेडोज़ के बारे में। अच्छा। हमें पता ही नहीं था, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था आम बंदे को कि फिली मेडो कोई जगह है, किसी गाइड बुक में कोई ना गया था। तो आज 34 साल पहले जब मैं गया हूँ तो ये इनकी मेहरबानी, हमारे यहाँ भी काम बहुत हुआ है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ऐसी किताबों की मांग नहीं है, उनको एक पुशअप चाहिए, उनको एक प्रोजेक्शन चाहिए जो उन्हें नहीं मिलती। मैं जब टीवी वगैरह पे था तो मैं थोड़ा बहुत मतलब उनके बारे में बात कर लेता था, अदरवाइज़ कागान के बारे में 2-3 गाइड बुक्स बड़ी अच्छी लिखी गई हैं। अच्छा। पहाड़ों के बारे में लिखी गई हैं, उसके बाद मास्टर हकीकत मरहूम ने भी एक किताब लिखी थी ट्रैकिंग के बारे में जी। और उसमें बहुत दुश्वार गुजार जो जगहें हैं उनकी ट्रैकिंग थी, तो वो काम उस तरह नहीं हुआ। नाज़रीन याक सराय पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आपने सुना है कि ताहिर साहब ने कितनी खूबसूरती से हमें जो